हेलो एवरीवन, तो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख रहे थे, जिसमें हम लोग SF देख चुके थे, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कंसेप्ट यूज़ करके किसी भी गिवन नंबर्स का SF कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी तक हम लोग SF निकालना सीखे हैं बाई यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? और डिवीजन मेथड पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग LCM के बारे में सीखेंगे कि LCM को भी हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके निकालते हैं। क्लियर है? तो SCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं SCF, सब हम लोग इसके पिछले वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन किए हैं, और इस वीडियो में हम लोग LCM के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन है मेरा LCM, ठीक है, LCM ऑफ गिवन नंबर्स। तो कैसे हम लोग LCM निकालते हैं गिवन नंबर्स का, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मीनिंग ऑफ LCM समझेंगे कि एक्चुअली में LCM होता क्या है। तो अगर LCM का फुल फॉर्म देखें तो LCM होता है मेरा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, या फिर हम इसी को लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम SCF का बात करें तो SCM में कहीं ना कहीं फैक्टर का यूज हो रहा था, लेकिन LCM में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग मल्टीपल का यूज करेंगे। क्लियर है? वो भी कैसा मल्टीपल होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए। लोवेस्ट यूज करें चाहे स्मॉलेस्ट यूज करें, उसका मतलब यही होगा। क्लियर है? लेकिन उस केस में, SCF के केस में हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे, और कैसा फैक्टर्स देख रहे थे, हाइएस्ट फैक्टर देख रहे थे। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स देखेंगे, और कैसा मल्टीपल देखेंगे, लोएस्ट स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट मल्टीपल देखेंगे। तो LCM समझने से पहले हम लोग मल्टीपल जानना जरूरी है कि एक्चुअली में मल्टीपल क्या होता है। जैसे वहाँ पे हम लोग फैक्टर्स सीखे थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट वैसे ही यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सीखेंगे कि एक्चुअली में मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग मल्टीपल्स पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल जैसे कि एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है ना, टू ही ले लेते हैं, वन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये इशू नहीं है, टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि टू का मल्टीपल लिखना है, जैसे किसी नंबर्स का हम लोग फैक्टर्स निकालते थे ना, जस्ट वैसे ही किसी नंबर्स का हम लोग मल्टीपल्स भी लिखते हैं, मल्टीपल्स भी निकालते हैं कि मल्टीपल्स क्या होंगे, कितने होंगे, किस तरह से होंगे। तो अगर हमको टू का मल्टीपल्स लिखना है तो सिंपली क्या करना है कि टू का टेबल पढ़ देना है, यानी कि टू का टेबल लिख लेना है। जैसे हम लोग छोटे पे टेबल पढ़ते थे, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, जस्ट वैसे ही टू का केवल टेबल लिखते जाएंगे, वही क्या होगा, मेरा टू का मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो जैसे कि हमको टू का मल्टीपल लिखना है, तो टू का पहला टेबल यानी कि टू टू वन जै टू होता है, ठीक है। उसके बाद टू 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 जै फोर यानी कि फोर होगा, उसके बाद सिक्स एट टेन ट्वेल्व 14, जस्ट ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, 16, 18, 20 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो किसी भी इंटीजर्स का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मल्टीपल निकालना है तो सिंपली उसका हम टेबल को पढ़ते जाएंगे, यानी कि टेबल को लिखते जाएंगे। क्लियर है? चलो, उसी तरह अगर हमको 1 का निकालना होता, जैसे कि मान लो 1 का मल्टीपल निकालना होता, 1 का टेबल पढ़ते जाते, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसे लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरे, ये 1 का मल्टीपल है। क्लियर है? तो मल्टीपल समझ में आता होगा। जैसे कि हम 3 का बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 को हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्चुअल में टेबल में क्या करते हैं, टेबल में अगर हमको किसी नंबर का टेबल लिखना होता है तो उस नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 3 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जस्ट वैसे ही अगर हमको 3 का मल्टीपल लिखना है तो 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, जस्ट वैसे ही आगे हम लोग लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो ये हुए मल्टीपल्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर्स का, दुनिया का कोई भी नंबर दे दे, मल्टीपल अगर पूछ दे तो सिंपली उसका टेबल को लिख देना है, वही क्या होते हैं मेरे, मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये था मेरा मल्टीपल का कंसेप्ट। और एक और चीज यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी भी गिवन नंबर का जो मल्टीपल होता है ना, या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे अगर हम 1 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 1 का मल्टीपल स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 3 आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं वो मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है, ठीक है। अगर 1 1 तो खुद
वन भी एक मल्टीपल है लेकिन वन जो है वन के इक्वल है। फिर टू अगर देख पा रहे हैं तो टू जो है वन का ही मल्टीपल है लेकिन टू जो है वन से बड़ा है। थ्री भी वन का मल्टीपल है लेकिन थ्री जो है वन से बड़ा है। जस्ट वैसे ही टू का भी अगर देखें तो टू के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, टू फोर सिक्स एट, तो देख पा रहे हैं कि इसके भी जो मल्टीपल्स हैं या तो उस नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स कितने होते हैं। जैसे फैक्टर्स डिफाइंड था, किसी भी गिवन नंबर्स के फैक्टर्स डिफाइंड होते हैं। अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है या फिर कोई भी प्राइम नंबर्स भी हैं तो उसके फैक्टर्स डिफाइंड होते हैं कि हाँ इतने फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर्स के डिफाइंड है कि दो ही फैक्टर होगा, दो से ना ही कम फैक्टर होगा ना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। उसी तरह कंपोजिट नंबर्स के भी फैक्टर डिफाइंड होते हैं कि अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब या तो थ्री हो सकते हैं या तो फोर हो सकते हैं फैक्टर्स। क्लियर है। चलो, तो किसी भी गिवन नंबर्स के लिए फैक्टर्स डिफाइंड होते हैं लेकिन किसी भी गिवन नंबर्स के लिए मल्टीपल डिफाइंड नहीं होते हैं। अगर हम मल्टीपल का बात करें तो किसी भी गिवन नंबर्स का मल्टीपल्स डिफाइंड नहीं होते हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि इस नंबर का दो ही मल्टीपल होगा, इसका तीन मल्टीपल होगा, चार मल्टीपल होगा, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना। किसी भी गिवन नंबर्स के कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। कई सारे मल्टीपल्स का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। हम उसको केवल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। क्लियर है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में कि फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के डिफाइंड होते हैं लेकिन अगर हम मल्टीपल का बात करें तो मल्टीपल डिफाइंड नहीं होता है, वो आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल मिलते हैं। क्लियर है। चलो, ये था मल्टीपल। अब अगर हम बात करें कि वन का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, तो वन का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वन है। टू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, टू ही है। थ्री का कौन है, थ्री ही है। ठीक है, तो ये एक मतलब स्मॉलेस्ट का बात करें। अगर हम ग्रेटेस्ट पूछे कि वन का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन होगा, तो बड़ा मल्टीपल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम पूछे कि वन का सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताओ तो वो अनडिफाइंड होगा। अगर कोई बोलता है थाउजेंड, तो थाउजेंड से भी बड़ा नंबर होगा, यानी कि थाउजेंड से भी बड़ा मल्टीपल होगा वन का, लाख, करोड़, मतलब वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। जस्ट वैसे ही अगर हम टू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछे तो टू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल डिफाइंड है जो कि खुद टू है, लेकिन अगर हम ग्रेटेस्ट मल्टीपल पूछे, हाईएस्ट मल्टीपल पूछे तो वो डिफाइंड नहीं है। जस्ट वैसे ही थ्री का स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछे तो वो थ्री है, लेकिन अगर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ठीक है लार्जेस्ट मल्टीपल पूछे तो वो डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। अगर उसी तरह हम ऐसे तरह पूछते जाए तो किसी भी नंबर्स का स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो वो खुद होता है लेकिन लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट मल्टीपल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक और चीज़ है कि ग्रेटेस्ट मल्टीपल डिफाइंड नहीं होता है और जो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अगर हम इन तीनों नंबर्स का बात करें वन टू थ्री में, तो अगर हम पूछें, अच्छा एक और चीज़, एक और नंबर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसी को बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं सिक्स सेवन एट, ये सभी मल्टीपल ही होंगे। क्लियर है। चलो, सिक्स सेवन एट भी मल्टीपल होंगे। अब अगर हम पूछें कि इन तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, अब बोलोगे कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स वैसे मल्टीपल्स होते हैं ये जो कि तीनों नंबर्स में कॉमन हो, यानी कि गिवन नंबर्स में कॉमन हो। तो यहाँ पे गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, वन टू और थ्री। तो गिवन नंबर्स में हम कॉमन मल्टीपल पूछ रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जो गिवन नंबर्स में कॉमन हो, मतलब तीनों नंबर में हो, ऐसे बोल सकते हैं, वैसे मल्टीपल जो तीनों नंबर्स में अवेलेबल हो। तो अगर हम बोले कि वन टू और थ्री के कॉमन मल्टीपल्स कौन है, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ वन टू एंड थ्री, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ वन टू एंड थ्री, यहां से क्या देख के हम बता सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो वन तो केवल इसी में कॉमन है, ठीक है ना, वन तो केवल वन में ही है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर हम बोले टू भी है, टू तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अगर टू का बात करें तो टू जो है इसमें है, मतलब वन का मल्टीपल है, टू टू का भी मल्टीपल है लेकिन टू जो है थ्री का मल्टीपल नहीं है, यानी कि टू भी कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। जस्ट वैसे ही अगर थ्री का बात करें तो थ्री वन का मल्टीपल है, थ्री का भी मल्टीपल है लेकिन थ्री जो है टू का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो अगर हम फोर का बात करें तो फोर भी अगर ध्यान से देखें तो फोर वन का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, यानी कि थ्री का मल्टीपल नहीं है। तो फोर जो है वो कॉमन मल्टीपल वन और टू का है, थ्री का नहीं है। बात समझ पा रहे ना, ये जो फोर है, फोर वन और टू का कॉमन मल्टीपल है, वन टू और थ्री का कॉमन मल्टीपल नहीं है। जस्ट वैसे ही फाइव का बात करें तो फाइव जो है किसी का कॉमन मल्टीपल नहीं है इन तीनों नंबर्स में से, ठीक है। फाइव केवल वन का ही मल्टीपल है, ना ही टू का मल्टीपल है, ना ही थ्री का मल्टीपल है। जस्ट वैसे ही अगर सिक्स का बात करें तो सिक्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिक्स जो है वन का भी मल्टीपल है,
टू का भी मल्टीपल है, थ्री का भी मल्टीपल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सिक्स जो है तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है? किस किस नंबर का? वन का, टू का और थ्री का। ठीक है, तो पहला जो हमको कॉमन मल्टीपल मिला वो क्या मिला? सिक्स मिला। क्लियर है? जस्ट वैसे ही और आगे देखते हैं, देखिए अगर आगे देखें तो क्या है, सेवन है। तो सेवन जो है केवल वन का ही मल्टीपल है, टू का भी मल्टीपल नहीं है, थ्री का भी मल्टीपल नहीं है। जस्ट वैसे अगर एट का बात करें तो एट जो है वन का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, लेकिन थ्री का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है? यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एट है वन और टू का ही केवल कॉमन मल्टीपल है, वन टू और थ्री का कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी नंबर्स आगे होते जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अगर नाइन ऐड कर देते हैं, नाइन कर देते हैं, टेन, इलेवन और ट्वेल्व यहाँ तक करते हैं और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नाइन का बात करें तो नाइन जो है केवल और केवल वन और थ्री का कॉमन मल्टीपल है। टेन का बात करें तो टेन जो है वन और टू का ही कॉमन मल्टीपल है, टेन जो है थ्री का मल्टीपल नहीं होता है। इलेवन, तो इलेवन के वन का ही मल्टीपल होगा, ना ही टू का है ना ही थ्री का है। ट्वेल्व का बात करें तो ट्वेल्व पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्वेल्व का बात करें तो ट्वेल्व वन का भी मल्टीपल है, ट्वेल्व टू का भी मल्टीपल है और ट्वेल्व जो है थ्री का भी मल्टीपल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्वेल्व जो है वन टू और थ्री तीनों का ही कॉमन मल्टीपल है? यानी कि अगर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ वन टू और थ्री का बात करें तो एक और ट्वेल्व आएगा। क्लियर है? अब आगे जैसे ही नंबर हम लोग लिखते जाएंगे, आगे और नंबर लिखते जाएंगे तो और भी मल्टीपल्स हमको मिलते जाएंगे। जैसे इसके, जैसे अगर बात करें तो टू के एक और मल्टीपल आएगा 16, 16 के बाद 18 आएगा। ठीक है ना, अगर हम वन का भी आगे मल्टीपल लिखते जाएंगे तो यहाँ पे भी कहीं 18 आएगा। ठीक है, तो वो 18 जो है 18 वन का भी मल्टीपल होगा, टू का भी मल्टीपल होगा और थ्री का भी मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम आगे और मल्टीपल्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमको कॉमन मल्टीपल्स और भी मिलते जाएंगे, केवल दो ही कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि 6 और 12 ही केवल नहीं होगा। अभी और आगे हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो मल्टीपल्स और मिलते जाएंगे, जैसे 18 मल्टीपल्स मिल जाएगा एक। ठीक है, एक 24 मिल जाएगा तीनों का कॉमन मल्टीपल, यानी कि 24 जो होता है वन का भी मल्टीपल होगा, टू का भी होगा, थ्री का भी होगा। तो मल्टीपल्स ऐसे ही आगे मिलते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। क्लियर है? यानी कि कॉमन मल्टीपल्स भी डिफाइंड नहीं होगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करें तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे? 6 है। लेकिन अगर हम सबसे लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करें तो लार्जेस्ट डिफाइंड नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग मल्टीपल्स लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, इंड ही नहीं होगा, आगे इंड ही नहीं होगा। इसके भी मल्टीपल्स लिखेंगे, इसके भी मल्टीपल्स लिखेंगे, तो हमको कई सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, कई सारे मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो अगर हम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करें या फिर हाईएस्ट का बात करें या फिर ग्रेटेस्ट का बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइंड नहीं है, बट हम लोग स्मॉलेस्ट, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जरूर बता सकते हैं। क्लियर है? तो हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स का जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिला, या फिर बोल सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिला, या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला, वो क्या है मेरा? 6 है। यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कैन बी डिफाइंड बट द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो वही चीज है, यहां पर आगे और बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम बोले कि ठीक है, इन तीनों नंबर्स का हमको सारा कॉमन मल्टीपल्स नहीं चाहिए, हमको केवल स्मॉलेस्ट चाहिए, लोवेस्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ वन टू एंड थ्री, तो वन टू एंड थ्री का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर क्या हम ग्रेटेस्ट डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कैन नॉट बी फाइंड या कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है ना, कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब कितना ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट है ही नहीं, मतलब बड़ा होते जाएगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइंड हो सकता है लेकिन ग्रेटेस्ट डिफाइंड नहीं हो सकता है। और इसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं? इसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं एलसीएम। क्लियर है? तो यानी कि अगर कोई पूछ दे कि एलसीएम ऑफ वन टू एंड थ्री क्या होगा, तो 6 होगा। क्लियर है? तो एलसीएम भी हम लोग या तो दो पॉजिटिव इंडिजेस के निकालते हैं या दो से अधिक पॉजिटिव इंडिजेस के निकालते हैं, एक क्या क्या ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एससीएफ निकालते थे दो इंडिजेस का एलसीएम, उसी तरह एलसीएम भी दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंडिजेस का निकालेंगे। क्लियर है? तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट कि कैसे हम लोग एलसीएम को डिफाइंड करते हैं, एक्चुअली में एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एलसीएम का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है।
एग्जाम्पल से समझे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से गिवन नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर्स दिए हैं या दो से अधिक नंबर्स दिए हैं तो उसके हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट। चलो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये सब समझ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका मतलब गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा, एक और चीज, वैसे जैसे हम फाइंड किए थे एलसीएम वैसे फाइंड नहीं करना है क्योंकि वो लेंदी तरीका हो जाएगा। एक्चुअली में वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लेंगे और देखेंगे कि कौन से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है और उसमें से सबसे लोएस्ट वाले को चूज कर लेंगे। तो वैसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे फाइंड नहीं करना है, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है। क्लियर है? चलो, और हम लोग लोएस्ट कॉमन ही मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फाइंडिंग एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब बहुत लड़के ये भी सोचेंगे कि इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कंसेप्ट कहाँ लग रहा है। तो जी, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर ही पढ़ते हैं। एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को दिया गया है तो उस कंपोजिट नंबर को उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? सब बताए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। तो अब देखेंगे फाइंडिंग एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो नंबर्स दिया रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स दिए रहेंगे हम लोग को। और यहाँ पे हमको दो नंबर्स भी दे सकते हैं या दो से अधिक नंबर्स भी दे सकते हैं। तो पहले दो नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि कोई नंबर दिया गया है 36 और 84। ठीक है, हमको कोई नंबर दिया गया है तो अगर हमसे बोल दे कि 36 और 84 का एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में क्या करते हैं कि गिवन नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे गिवन नंबर्स क्या क्या हैं, 36 एंड 84 है। तो पहले हम लोग 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 84 का करेंगे। क्लियर है? तो 36 का करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है 2 है। ठीक है, 2 से छोटा प्राइम नंबर्स होता भी नहीं है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 18 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, ये हो गया। क्लियर है? अब हम 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा वो वीडियो देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाला कि कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं गिवन नंबर्स का। इसको भी हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। फिर इसको 2 से करेंगे 21। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट डिजिट 1 होता है तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये अब 3 से जाएगा, तो 3 7 21। अब ये 7 खुद एक प्राइम नंबर है, चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि उसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं और लास्ट में अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन रोक देते हैं। क्लियर है? तो ये था मेरा 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग गिवन नंबर्स को उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसी के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा आया है, 2, 2, 3 और 3। तो 36 को हम क्या 2 × 2 × 3 × 3 बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है दो बार रिपीट किया है, तो क्या हम 2 को 2 का पावर 2, और यहाँ भी 3 जो है दो बार रिपीट हुआ है तो 3 का पावर 2। क्लियर है? तो 36 को हम क्या किए कि उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। जस्ट वैसे ही 84 को भी उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 × 2 × 3 × 7 है।
क्लियर है। अब अगर देखे ध्यान से तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो है टू वो दो बार रिपीट किया है, तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, टू टू का पावर टू। क्लियर है। इंटू थ्री एक ही बार है तो थ्री एक ही बार लिखेंगे, इंटू सेवन भी एक बार है तो सेवन को भी एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो याद रखेंगे हम लोग एक, जैसे एससीएफ में भी बताए थे और एलसीएम में भी बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग कि किसी भी गिवन नंबर्स का एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। क्लियर है। अगर हमको किसी भी गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें क्या करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर को कहीं कहीं एक्सपोनेंट भी लिखा जाता है, एक्सपोनेंट भी लिखा जाता है। क्लियर है। चलो तो एलसीएम जो अगर हमको एससीएफ भी देखे थे कि एससीएफ कैसे निकालते हैं, जस्ट वैसे ही एलसीएम भी देखेंगे कि अगर हमको कोई नंबर्स दिए गए हैं उनके एलसीएम निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स करते हैं विथ हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट। अब इसका मीनिंग क्या होगा हम इसको यहां पे समझेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो अब हमको 36 और 84 का एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 84। तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो अब देखेंगे कि 86 और 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें 2 है, एक प्राइम फैक्टर्स क्या है मेरा 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3 है। क्लियर है। और जो तीसरा प्राइम फैक्टर है वो 7 है। देखो एससीएफ में क्या करते थे, एससीएफ में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर को ही केवल चूज करते थे। अगर हम ध्यान दें तो एससीएफ में केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ही चूज करते थे, लेकिन एलसीएम निकालने में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं है, एलसीएम में हमको टोटल प्राइम फैक्टर से मतलब है। क्लियर है। अगर हम गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमको कॉमन प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं है, हमको सारे प्राइम फैक्टर से मतलब है। यानी कि गिवन नंबर्स का हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर इंक्लूड हुए हैं या कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए हैं, ठीक है। तो अगर हम 36 का बात करें तो 36 में 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर है। 84 का बात करें तो 84 में 2, 3 और 7 यानी कि 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जितने प्राइम फैक्टर हैं सारे प्राइम फैक्टर्स को एक ही बार लिखना है, केवल एक बार लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 है, 3 है और 7 है, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। क्लियर है। और यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो 7 है कॉमन नहीं है फिर भी लिए हैं। ध्यान से देखेंगे यहां पे ये जो 7 है, 7 केवल 84 का ही प्राइम फैक्टर है, 7 जो है 36 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हम अभी ही बताएं कि कॉमन से मतलब नहीं है, हमको सारे प्राइम फैक्टर से मतलब है। क्लियर है। तो अब सारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहला 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 7 है। तो 2, 3 और 7 को ले लिए। अब इन सब का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इन सब का प्रोडक्ट कर लिए। तो यहां तक तो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स यहां तक हो गया विथ हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट। अब हम लोग देखेंगे एससीएफ के केस में हम क्या करते थे कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लोएस्ट पावर को लेते थे, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं उनका हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। जैसे अगर हम 2 का बात करें तो 2 का जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में वो क्या दिख रहा है, हमको 2 ही दिख रहा है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। अगर हम 3 का बात करें तो पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके और इसके दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो इस केस में 3 का पावर 1 है, इस केस में 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है। अगर हम 7 का बात करें तो 7 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, हमको 1 दिख रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 का पावर 2 9 इंटू 7। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 9 7 हो जाएगा 63, ठीक है ना, 9 7 हो जाएगा 63। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 4 जा आसानी से हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 कैरी ओवर 1 और ये हो जाएगा 24 और 24 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम ऑफ 36 एंड 84 कितना है 252 है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं
इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 को 2 इंटू 2 ले सकते हैं, इंटू 63 कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 63 का दोगुना कितना होगा, 60 का दोगुना होता है 120, और 120 और यहाँ पे 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा, और 126 का दोगुना कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब उस आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे LCM ऑफ 36 एंड 84 कितना आ गया, 252 आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि गिवन नंबर्स का हम लोग कैसे LCM निकालते हैं, ठीक है ना। चल अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल में देख लिया था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमको 108 यानी कि 108 और 120 का LCM दे दे फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। तो 108 और 120 का LCM निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम लोग गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो गिवन नंबर्स क्या है मेरा, 108, तो पहले इसको करेंगे, ये 2 से जाएगा 54 टाइम्स में, ये फिर 2 से चल जाएगा कितना, 27, अब 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में, क्लियर है। अब हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 यानी कि 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से 15, 3 से जाएगा 5, और फिर 5 से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन नंबर्स क्या है, 108, उसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और एक और चीज़, प्राइम फैक्टर्स रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 एक बार प्राइम फैक्टर हो गया, मतलब 2 एक बार प्राइम फैक्टर आया है तो एक बार और नहीं आ सकता है, 2 जो है रिपीट भी कर सकता है। तो अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कोई भी प्राइम नंबर रिपीट भी कर सकता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम पावर में लिखते हैं, जैसे अगर हम 2 जो है दो बार आया है तो 2 × 2 × 2 का मतलब 2 का पावर 2। यहाँ पे अगर 3 देखें तो 3 तीन बार रिपीट कर रहा है, 3 × 3 × 3, तो इसको हम 3 का पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी सेम नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो जितने टाइम्स रिपीट करता है मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर उतना ही होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेम नंबर्स जो है दो बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे तीन बार रिपीट कर रहा है, तो पावर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, क्लियर है। अब जस्ट वैसे ही हम लोग 120 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आया है, 2 जो है तीन बार आया है, तो 2 × 2 × 2, 3 एक बार आया है, और 5 भी एक ही बार आया है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है तीन बार रिपीट कर रहा है, 2 × 2 × 2, तो 2 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा, एक ही बार है तो 3 हो जाएगा इंटू 5, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है गिवन नंबर्स यानी कि 108 और 120 का। तो इतना करने के बाद अब हम लोग LCM आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे। तो LCM क्या है, LCM है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर कॉमन नहीं है, ऑल है, ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए हैं, तो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में देखें तो 2 और 3 आया है, तो 2 और 3 लिख लिए, क्लियर है। अब हम इसमें चेक करेंगे इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं, पहला 2, 3, उसके बाद 5 भी है, तो 2 और 3 को ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, बचा 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो 2 × 3 × 5 हो गया, क्लियर है। अब है कि इसका पावर क्या लेते हैं, तो अगर हम पावर देखें तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर हम 2 का बात करें तो इन दोनों के प्राइम फैक्टरेशन में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट कौन है, यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लिखेंगे, क्लियर है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे उसके जो पावर है या फिर एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट लेना है। अगर हम 3 का बात करें तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, हाईएस्ट कौन है मेरा, 3 है। जस्ट वैसे ही 5 का पावर देखें तो 5 का पावर 1 ही है, इसमें तो 5 है नहीं, इसमें है 5 का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इंटू 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, इंटू 5, क्लियर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम देखें तो 27 × 5 करेंगे पहले, तो अगर हम 27 × 5 करें तो 7 × 5 = कितना हो जाएगा, 35, कैरी ओवर 3, ये हो जाएगा 135, क्लियर है। अब 135 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 135 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मली कर सकते हैं, इधर ऐसे कुछ ट्रिक भी होते हैं मल्टीप्लाई करने के,
वो हम कभी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 से करेंगे तो 8 5 40 कैरी ओवर 3 ना सॉरी 4, तो 8 3 24 4 ये 8 हो जाएगा और ये कैरी ओवर 2 यानी कि 1080 हो जाएगा, 1080। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो ऐसे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 108 और 120 का एलसीएम देखें तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 1080 आ रहा है। क्लियर है? और एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम गौर करें तो गिवन नंबर्स के जो एलसीएम आते हैं ना वो गिवन नंबर से बड़ा होता है, जो भी गिवन नंबर है उससे बड़ा होता है, या फिर गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसके इक्वल होता है। क्या हम बोले कि किसी भी गिवन नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, किसी भी गिवन नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा आता है। अगर हम ध्यान दें 108 और 120 का एलसीएम कितना आया है, 1080 आया है। तो यहां पे क्या हम देख पा रहे हैं कि यहां पे जो एलसीएम आया है वो एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा है। जाहिर सी बात है कि 1080 दोनों नंबर से बड़ा है, तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि गिवन नंबर से एलसीएम या तो बड़ा होता है या गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके इक्वल होता है। क्लियर है? उसका भी एग्जांपल देंगे। इसके जस्ट पहले वाले भी एग्जांपल लिए थे तो उसमें भी जो एलसीएम आ रहा था मेरे ख्याल से 252 आ रहा था। किसका हम लोग निकाले थे, 36 था और 24 था मेरे ख्याल से, ठीक है 84 था कुछ ऐसे ही था। तो अब उसमें हम लोग देखे थे कि 252 आ रहा था, तो उस केस में भी गिवन नंबर से बड़ा ही आ रहा था एलसीएम। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है। जबकि एससीएफ में ऐसा नहीं था, एससीएफ हम लोग देख रहे थे कि गिवन नंबर्स को जो गिवन नंबर्स के जो एससीएफ होते हैं या तो गिवन नंबर से छोटे होते हैं, या तो गिवन नंबर से छोटे होते हैं या गिवन नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसके इक्वल होता है। क्लियर है? लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, उसका जस्ट उल्टा है। क्लियर है? चलो तो एक और उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम जो है गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके इक्वल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आसानी लेते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, काफ़ी आसान है। तो अगर हम 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, मतलब 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है। 12 का अगर करें तो 12 जो है 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 3 फिर ये 1 आएगा। क्लियर है? 2 6 3 1, ठीक है। तो अगर हम 3 को लिखेंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। क्लियर है? अगर 12 को लिखें तो 12 क्या हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 बार है तो 2 का पावर 2 डायरेक्ट लिख देते हैं इन टू यहाँ पे 3। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है, अगर हम एलसीएम देखें 3 और 12 का, तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, एक 3 है एक 2 है, 3 इंटू 2 हाईएस्ट पावर, तो 3 का यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है तो 1 ही होगा। 2 का पावर 2 है, कितना आ गया, 3 इंटू 2 का पावर 2 कितना होता है 4, कितना आ गया 12 आ गया। तो इसमें अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जो गिवन नंबर्स का एलसीएम निकाले हैं वो एलसीएम गिवन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल आया है। तो गिवन नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, 12, और एलसीएम भी क्या रहा है मेरा 12, तो यही हमको बताना था, इसलिए इसको एग्जांपल लिए हैं। क्लियर है? तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर गिवन नंबर्स दिया है तो उसके एलसीएम जो होंगे या तो उससे बड़ा होगा, या तो गिवन नंबर से बड़ा होगा, या फिर गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगा, पहला चीज। अगर एसएफ हमको निकालना है तो एसएफ गिवन नंबर्स के क्या होते हैं, गिवन नंबर से या तो छोटे होते हैं या गिवन नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसके इक्वल होता है, ये सब हम देख चुके हैं। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे। या फिर हम नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज आइदर greater than given numbers or equal to the greatest number या largest number or equal to the largest given number, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज इधर ग्रेटर दैन द गिवन नंबर्स और इक्वल टू द लार्जेस्ट गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। क्लियर है? और इस चीज़ को हम यहाँ पे देख भी लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 3 नंबर्स दिए रहेंगे। क्लियर है? जिसको हम क्लीन कर रहे हैं।
चलो तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हम लेते हैं तीन नंबर्स लेते हैं, जैसे कि एक 36 लेते हैं, एक 24 लेते हैं और एक 40 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तीन नंबर्स लिए हैं। अब इस तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? चलो तो पहले क्या करेंगे कि तीनों नंबर्स का बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला मेरा नंबर क्या है, 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से जाएगा 18 टाइम्स में, फिर 2 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, फिर 1। क्लियर है? अगर हम 24 का करें तो ये भी 2 से जाएगा 12 टाइम्स में, ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर ये 3। अगर हम 40 का करें तो जस्ट वैसे ही 2 से 20 टाइम्स में, फिर 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, और 5 खुद प्राइम नंबर है, ये 1 टाइम्स में चल गया। अब क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन नंबर क्या है, 36, उसके प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 का पावर 2, 3 भी दो बार रिपीट हो रहा है, 3 का पावर 2। क्लियर है? अब हम बात करेंगे 24 का। चलो अब 24 का बात करेंगे तो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार केवल 3 है, तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? 40 को जस्ट वैसे ही उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितने बार है, 3 बार है, 3 बार है और ये एक ही बार है, तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्या किए हम, गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें और अगर कोई प्राइम नंबर्स रिपीट कर रहा है तो उसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे। इतना करने के बाद अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 36 का, 24 का और 40 का। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो पहला 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, सबको लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? अब ऐसा नहीं करना है कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 इंटू 2 कर रहे, नहीं, एक ही बार लिखना है, किसी भी प्राइम फैक्टर्स को एक ही बार लिखना है, उसके बाद उसके पावर जो होगा वो हाईएस्ट पावर लेना है। तो अगर हम 2 का बात करें तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 2 का पावर 3। अगर हम 3 का बात करें तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, 5 का तो पावर एक ही है, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो 9। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 2 9 इंटू 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले हम क्या करेंगे कि 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 4 जाए 36, 360 आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम आया है वो गिवन नंबर से बड़ा है। ठीक है, ये 360 जो है 36 से भी बड़ा है, 24 से भी बड़ा है और 40 से भी बड़ा है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ गौर करेंगे कि जो भी एलसीएम आता है ना वो एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, वो जो एलसीएम आता है सबसे छोटा नंबर बोल सकते हो, सबसे छोटा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि 360 एक सबसे छोटा नंबर है या सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि 360 को 36 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 24 भी कर सकता है और 40 भी कर सकता है। क्लियर है? यानी कि हम बोल सकते हैं कि 360 जो है तीनों का कॉमन मल्टीपल है। और कैसा कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इससे कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो कि इस ये तीनों नंबर डिवाइड करे। 360 से हम कोई भी छोटा नंबर नहीं ले सकते हैं जिस नंबर को ये तीनों नंबर डिवाइड कर सके। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको गिवन नंबर्स एक मतलब जिसको सारे गिवन नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर जीरो आए। क्लियर है? तो होप कि ये एलसीएम समझ में आया होगा कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है, प्राइम फैक्टरेशन से कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एससीएफ और एलसीएम अब दोनों ही साथ में निकालेंगे गिवन नंबर्स का। क्लियर है? तो एलसीएम तो हम लोग प्राइम फैक्टरेशन से ही निकालेंगे, एक्चुअली में एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है जो लोअर क्लासेस में पढ़े उसको भी सिखाएंगे, और एससीएफ को एक और मेथड से निकाल सकते हैं जो कि डिवीजन मेथड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड सीखेंगे और एलसीएम को एक और मेथड से निकाल सकते हैं उसको भी सीखेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।